दोस्तों एपिसोड 15 के स्टार्ट में मिस्टर जी जब टेंश से कहते हैं कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश हूं तो ये बात शार सुन लेता है शाहरुण तो ये बात सुनकर जलस हो जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर जी आप सिर्फ टेंश के साथ ऑफिशियल मीटिंग्स कर सकते हैं लेकिन इसको डेट करने का अक्सर वो जो है इसका यही कहना था और साथ ही टेंट का हाथ पकड़ कर इसको जाता है अब हैन्यू यन की बनाई हुई पेंटिंग देख रहा होता है इतने में येन भी इसके साथ आकर खड़ी हो जाती है टैनग्यू कहने लगता है की इस एग्जीबिशन का पेंटिंग टाइटल तो लोनली ब्रेव है तो फिर तुमने यहाँ पर दो लोगों को ड्रॉ क्यों किया है कहती कि मुझे नहीं लगता कि मेरा नाम टॉप टू में आएगा इसलिए मैंने वो ड्रॉ किया जो मुझे पसंद है कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर क्या तुम मुझे अपनी पेंटिंग की स्टोरी बताना पसंद करोगी और एक्चुअल में यन की कहानी इसकी अपनी फीलिंग आरोप बेस्ड होती है ये कहने लगती है की मेरी पेंटिंग में जो मॉन्स्टर है वो एक छोटी लड़की आरोप हमला करता है लेकिन उसके साथ ही एक लड़का इस लड़की के पास आता है और सारी मुश्किल इसके साथ फेस करता है लेकिन एंड में वो लड़का इस लड़की को इतना ब्रेव बना देता है कि वो जिंदगी की सारी मुश्किल मुश्किल खुद फेस करना सीख जाती है एनग्यू इसकी स्टोरी को अप्रिशिएट ही कर रहा होता है की इतने में अनाउंसमेंट होती है की सभी आर्टिस्ट इकट्ठे हो जाए क्यूँकी अब रिजल्ट अनाउंस होने वाले है एनग्यू इसको गुड लक कह कर इसे वहाँ जाने देता है और अब जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो लोनियान के कोर्स में यानी के जुमा वो थर्ड पोजीशन हासिल करती है की सेकंड पोजीशन आती है और लोनियन इस कंपटीशन की विनर होती है इन दोनों को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि ये दोनों इतना अच्छा कर सकती है इसलिए इस रिजल्ट आरोप ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होती है अब मिस्टर टें के कान में कुछ कहते हैं और एक और मैनेजर आकर जुमा के कान में भी कुछ कहता है ये लोग एक रूम में चले जाते हैं ये कुछ गड़बड़ लग रही होती है इसलिए ये लूनियान के साथ उस रूम के बाहर आती है लूनियान तो अंदर नहीं जाना चाह रही होती लेकिन यन इसको फोर्स करती है की इसको अंदर जाना ही होगा एक्चुअल में मिस्टर जी ये चाहते होते हैं की इसके नॉवल के लिए पेंटिंग तो लूनियान करे लेकिन नाम जुमा का आए क्यूँकी जुमा एक मशहूर आर्टिस्ट है और मिस्टर जी नहीं चाहते की वो अपना काम किसी अन आर्टिस्ट से करवाएं क्योंकि ऐसा करने से उनके नॉवल की सिटी पर फर्क पड़ सकता है टैन शशि इनको यही समझा रही होती कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अब टैन शशि जुमा से पूछती है कि मिस्टर शी तो ये चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा सिर्फ नाम यूज हो और टॉप टू इलस्ट्रेटर है वो तुम्हारे लिए काम करेंगे क्या तुम्हे तो ये सब कबूल है जुमा को इस बात ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता होता है। वो कहती है की मुझे इस बात ऐसी कोई भी मसला नहीं है और मैं ये प्रोजेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ बाहर खड़े होकर इन दोनों ने ये सब बातें तो सुनी ली होती है दुनिया का तो दिल ही टूट गया होता है ये सब कुछ सुनकर कर एक लम्हे पहले उसको लगा था कि शायद इसके सबर का फल को मिल गया है और अब वाकई में ये नाम कमाने वाली है लेकिन ये सब सुनकर तो इसे बहुत बुरा लग रहा होता है और ये यन से कहती है की इससे बेहतर तो यही है की मैं अपनी पेंटिंग को चंद पैसों में ही बेच दूँ कम ऐसी कम ये इस जिल्लत ऐसी तो अच्छा ही है लेकिन यन लूनियान के साथ ये सब ना इंसाफी नहीं होने देना चाहती थी और कहती है की मुझे यकीन है की तुम्हें पेंटिंग बहुत पसंद है और इसलिए अब हम अंदर जाएंगे ये लूनियान को जबरदस्ती अंदर ले जाती है यन मिश्र जी ऐसी कहती है की क्या आप ये चाहते है की आपका काम झूठ की बुनियाद आरोप लोगो के सामने आए जुमा को रोकने की कोशिश करते कि तुम होती कौन हो यहाँ पर ये सब बात करने वाली तो इस पर यन बहुत ही अच्छा जवाब देती है और कहती है कि मैं इस पब्लिशिंग हाउस की कॉन्ट्रैक्टेड इलस्ट्रेटर हूँ जबकि तुम तो सिर्फ इस इवेंट की एक पार्टिसिपेंट हो इसलिए तुम्हारे पास ये हक नहीं है की तुम मुझसे इस तरह बात कर सको और वैसे भी मेरी इस कॉन्टेस्ट में पोजिशन भी सेकेंड है यन इन दोनों ऐसी कहती है की लोनियन इस कॉम्पिटिशन की विनर है तो क्या आप लोनियन को इजाजत देंगे की वो अपने ख्याल का इजहार कर सके टेन कहती है की हाँ तुम ऐसा कर सकती हो लोनियन कहने लगती है कि जब मैंने पेंटिंग पर काम करना शुरू किया था तो मैंने आपके काम के बारे में डिटेल से पढ़ा था लोनियान मिस्टर जी को इसके ही काम का रेफरेंस देकर कहती है कि आपने अपने एक चैप्टर में लिखा था कि आर्ट को सिंपल होना चाहिए और आर्ट सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है तो आपको नहीं लगता कि आर्ट को इस तरह झूठ के लिबादे में लोगों के सामने पेश करना ना इंसाफी है लोनियान ने इतने अच्छे से मिस्टर जी को समझाया होता है कि मिस्टर जी का माइंड चेंज हो जाता है और वो ये प्रोजेक्ट लूनियन को दे देते हैं अभी भी उसी पेंटिंग के पास खड़ा होता है जो कि की बना होती है चारुण इसके पास आकर कहता है एक्चुअल में यहाँ पर मैं कोई पेंटिंग वगैरह नहीं देखने आया था बल्कि मैं तो डांस के लिए यहाँ पर आया हूँ चारण इसे कहते हैं की तुम यहाँ पर क्यूँ खड़े हो तुम अंदर जाकर पता क्यों नहीं करते कि इस एग्जीबिशन का विनर कौन है की मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्यूँकी मैंने जो आर्टिस्ट यहाँ से बाहर निकलते देखे हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं ये बता सकता हूँ कि वो ये कंपटीशन विन नहीं किए हैं और मुझे लगता है कि यन ने ये कंपटीशन जरूर जीता होगा क्योंकि इस कंपटीशन का मेन मकसद बेस्ट इलस्ट्रेटर ढूंढना है ना कि बेस्ट आर्टिस्ट येन से बहुत से अच्छे लोग भी हूँ लेकिन जब बात इलस्ट्रेशन पर आती है तो यन इसमें बहुत माहिर है चौरण कहने लगता है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि येन ही फर्स्ट आई होगी तो हेनग्यू कहते है कि मेरी नजर में वही नंबर वन है जियांगसी हैंग्यू से यही पूछने के लिए आया होता है कि आखिर यहां की आखिर हैंग इसको यहाँ पर क्यूँ लेकर आया है कि इतने में ही इसको यहाँ पर लूनिया नजर आ जाती है लूनियान इसको देख आगे चली जाती है लेकिन जियांगी इसका पीछा करता है और लूनियान किसी तरीके ऐसी अपने आप को जियासी ऐसी एक दफा फिर बचाने में कामयाब हो जाती है लूनियान यन के साथ एक रशन में आ जाती है ये इसको कहती है की तुम्हें जियांगी ऐसी ना चाहिए था, इस तरह से भाग कर नहीं आना चाहिए था बताती है की जिस दिन तुम हैन की फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में मौजूद थी तो उस दिन मैं भी जियांग जी के साथ लंच करने के लिए आई हुई थी लेकिन वहाँ पर मैंने किसी ऐसे शख्स को देख लिया था जिसे मुझे देखना नहीं चाहिए था और मुझे मालूम हुआ की जिस लेडी ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की थी और जिसने मैं से पेंटिंग खरीदी थी वो जियांग जी की मोहम है और वो समझती है की मैंने उनको फेक पेंटिंग बेची है क्यूँकी जुमा ने भी बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग ड्रॉ की है की मुझे पूरा यकीन है की तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती क्यूँकी तुम लोनियान हो और तुम कभी भी कम नहीं करती हो ये बात जानकर लोनियन को खुशी होती है की गैन इस पर पूरा भरोसा करती है और जहाँ तक बात रही जियांगी ऐसी न मिलने की तो उसकी रीजन में तो मैं अग्र दिफा बता दूंगी ये अब यहाँ आरोप जियांगी की मोम को देखती है लूनियान उनसे छुपने लगती है साथ ही यहाँ आरोप एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही होती है तो लोनियान इसी ग्रुप में जाकर शामिल हो जाती है जियांगसी की मोम येन से मिलती हैं और ये येन को कंग्रेचुलेशन कहती हैं कि जल्दी इसकी और हेन्ग्यू की शादी होने वाली है फिर जिया की मोम कहने लगती है की जियांगी अभी तक सिंगल है तुम्हारी और हेनग्यू की तो शादी हो रही है तो मैं चाहती हूँ ये की तुम भी कोई लड़की ढूंढ लो जियांग जियाची के लिए जो तुम्हारी एज की हो जन इस पर कहती है कि आप फिकर नहीं करें मैं जियांग जियांगी के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगी ये जियांग जियांगी की मॉम मोमना से चली जाती है अब जियांग जियांगी बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि लूनियान तो उसको देखकर भाग गई होती है उसको समझाता है कि वो तुमसे मिली नहीं लेकिन वो तुम्हें देखकर भाग गई इसका ये मतलब है कि वो तुम्हें भूली नहीं है लेकिन जियांग ची को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर लूनियान इसको अवॉइड क्यों कर रही है अब इसी रेस्टोरेंट में थोड़ी देर बाद मिस्टर जी के साथ टें आकर बैठ जाती है चारन मिस्टर जी को फिर से जी के साथ देखकर कर जरस हो जाता है और ये उनके पास चला जाता है ये जियांग जी का रेस्टोरेंट होता है तो ये जियांग जी से कहता है कि मुझे इस टेबल पर सर्व करने की परमिशन दे दो जियांग जी को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा होता क्यूँकी वो तो लूनियन की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है मिस्टर जी, जी कहते हैं है जी से की ये लड़का तो तुम्हारा स्टाफ था तो फिर ये यहाँ पर काम क्यूँ कर रहा है शारुन कहता है की हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मैं टी जी का ही एम्प्लॉय हूँ और मैं इसका बॉडी गार्ड इसलिए टेंची जी जहाँ भी जाती है मुझे वहाँ पर मौजूद होना जरूरी होता है इनका ऑर्डर लेकर शारुन वापस आ है है तो जियांग जिया कहता है की तुम ये ऑर्डर मुझे क्यों दे रहे हो तुम्हें जाकर अभी कुक भी करना चाहिए तो शारुणु कहता है की मैं तुम्हारा स्टाफ नहीं हूँ जियांग जी कहता है की तुम इसकी फिक्र नहीं करो मैं तुम्हारे लिए कभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट जारी कर देता हूँ तो शाहरुण कहता है की आज मेरा काम करने का मूड नहीं है फिर जियांग जी कहता है की इसको भी क्या हो गया है तो हेनग्रो कहता है की क्या तुम देख नहीं सकते ये टैन शशि को पसंद करता है ये बात जियांग जी के लिए बहुत हैरान कर देने वाली होती है डिनर करने के बाद टशि और मिस्टर जी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं लेकिन शाहरुण इनका पीछा कर रहा होता है मिस्टर जी टी को बताते हैं कि ये लड़का तब से हमारा पीछा कर रहा है कहती है की ये बात मैं जानती हूँ मिस्टर जी कहते हैं की क्या ये वाकई में तुम्हारा बॉडी गार्ड है टेंट शीशी हंसते हुए कहती है की यहाँ कह सकते हो अब फिर शाहरुण मजीद मजदीद सबर नहीं होता है और ये इन दोनों के करीब आकर कहता है मिस्टर जी से कि आपका यहाँ तक जी को छोड़ने का शुक्रिया आगे से मैं खुद इसको ले जाऊंगा मिस्टर जी के यहाँ से जाने के बाद शाहरुण टैंश से पूछता है कि क्या तुम तो आज इसके साथ डेट पर आई हुई थी और फिर टेंश जी इसको वो सब कुछ बताती है जो कि आज एग्जीबिशन में हुआ था और कहने लगती है की मैं पब्लिशिंग हाउस के बिहाफ आरोप मिस्टर जी के साथ डिनर करने के लिए आई थी न मुझे क्या जरूरत है किसी के रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की जब मेरे पास घर पर ही इतना चार शेफ मौजूद है ये बात सुनकर तो शाहरुण मुस्कुराने लगता है टैन शशि शाहरुण ऐसी कहते है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी तुम्हारा ट्रायल पीरियड ओवर नहीं हुआ है और ना ही तुमने अभी तक मुझे प्रपोजल दिया है तो शाहरुण कहता है की मैंने तुम्हें डेली मेन्यू का प्रपोजल दे तो दिया है तो टैंसि कहती है की मैं इस प्रपोजल की बात नहीं करी बल्कि मैं तुम्हारे मेरे एज अ बॉडी गार्ड के प्रपोजल के लिए बात कर रही हूँ शारुण कहता है की क्या वाकई में मैं तुम्हारे इतने करीब रह सकता हूँ लेकिन शायद ये जवाब के लिए सेटिस्फाइंग नहीं था इसलिए ये कुछ कहे बगैर अंदर चली जाती है और शाहरुन इसके पीछे जाता है अब पब्लिशिंग हाउस में इस नॉवल पर काम हो जाता है और लूनियन आकर अपनी पेंटिंग के बारे में सबको ब्रीफिंग देती है आज यन की मॉम की मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ जाती है। हैं। हैनग्यू यन की मॉम के साथ ही होता है रिजल्ट्स काफी अच्छे नहीं होते तो डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना ट्रीटमेंट जल्दी करवा लेना चाहिए लेकिन यन की मॉम का वही डिसीजन होता है की वो यन की शादी के बाद ही ट्रीटमेंट लेंगी डॉक्टर कहते हैं की हम पेशेंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए वो हैग्यू ऐसी भी कहते हैं कि तुम इन्हें फोर्स नहीं करो आज लूनियन को फाइनली एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया होता है तो ये येन के साथ इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसके मॉम डैड के रेस्टोरेंट पर ही आ जाती है ये देखती है की हैंगू इसकी मॉम के साथ इसी तरफ आ रहा है लूनियन कहती है कि तुम्हारी मोम हेन्ग्यू के साथ कहाँ गई थी येन कहती है कि मुझे नहीं मालूम जब मैंने अपने डैड से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी मॉम तो ऊपर आराम कर रही है लूनियन कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों इकट्ठे किसी वेडिंग प्लानर को ढूंढने के लिए गए थे येन कहती है कि तुम अब मुझे परेशान कर रही हो ये बात करके लूनियन लुनियन कहती है कि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है तो यन कहती है कि हैनग्यू की मोम और मेरी मोम तो चाहती हैं कि हम इसी हफ्ते शादी कर लें लेकिन फाइनलाइज तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो कहती है कि तुम्हें जो भी है जल्दी करना होगा कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा मामला तुम्हारे हाथ से निकल जाए जब हैंग की मोम को लेकर इन दोनों के पास आता है यन हेनग्यू से पूछती है की तुम मेरी मोम के साथ कहाँ गयी थी तो हैनग्यू येन से कहता है की मैं और तुम्हारी मोम वेडिंग प्लेनर ऐसी मिलने के लिए गए थे ये जवाब सुनकर यन सेटिस्फाई हो जाती है की कोई गड़बड़ नहीं चल रही जब यन की मोम अंदर जाती है तो डैड कहने लगते हैं कि इतने से मैं यहाँ पर अकेला काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी बैक बहुत दर्द कर रही है यान की मॉम कहने लगती है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें इस शॉप को बेच देना चाहिए क्योंकि हेन ग्यू एक बहुत अमीर फैमिली से है इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छा वेडिंग गिफ्ट दूँ येड कहने लगते है की मैं काफी लंबे अरसे से ये शॉप बेचने का सोच रहा था लेकिन उस टाइम पर हम दोनों भी इस शॉप से काफी अटैच थे और दूसरी बात ये की हमें कोई रिलायबल खरीदार भी नहीं मिला था अब जियांगी की मॉम इसको एक लड़की से मिलवाती है तो जियांग जी इस लड़की से कह देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ मोम को जियांग जी पे गुस्सा आ रहा होता है लेकिन ये लड़की कहने लगती है कि मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है हमें एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके ट्राई तो करना चाहिए मुझे लगता है कि हम अच्छा पेयर बन सकते हैं जियांग जी इसके लिए नहीं मान रहा होता कि इसी वक्त इसकी मोम अम्यूजमेंट पार्क की दो टिकट बुक कर देती है ताकि ये दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके कल चूँ की डांत शशि ने शाहू ऐसी कहा होता है की तुमने अभी तक मुझे कोई प्रपोजल नहीं दिया तो अब शाहरुण ने डि की ये शिकायत दूर करने के लिए एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाए होती है जिसमे को ये बता रहा होता है की हम अपनी पहली डेट आरोप पर अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले है अब अगले दिन जियांग ची उस लड़की के साथ अम्यूजमेंट पार्क आ जाता है इसी अम्यूजमेंट पार्क में लूनियन पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और इससे मिलने के लिए यन भी आई होती है एक्चुअल में यन को यहाँ पर जियांग ची और हेनग्यू नहीं बुलाया होता है ये लूनियन ऐसी पूछते कि क्या तुम शोर हो तो तुम्हें वाकई में हमारे साथ नहीं जाना क्योंकि आज जियांग जी एक लड़की को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया है लेकिन लूनियन यन के साथ जाने के लिए नहीं मानती लूनियन यन से कहती है की बस तुम लोग हॉन्टेड हाउस से दूर है ना क्योंकि वहाँ पर भी मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ इस तरह तुम्हारा और मेरा आमना सामना नहीं होगा यन कहती है की हैनक्यू बॉर्डर पोक है इसलिए हम वहाँ पर नहीं आएंगे तुम फिक्र नहीं करो अब हैनक्यू भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इसके साथ यहाँ आरोप टन शशि और शॉरन भी आ जाता है जियांग जी शौरन से कहते है की तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो तो इस पर शौरन कहता है की मैं आज टैन शशि की बॉडी गार्ड की है उसके साथ आया हूँ और मेरा मिशन टैन शशि को अम्यूजमेंट पार्क दिखाना है जियांग जी कहता है तो अच्छी बात है तुम लोगों को इन्जॉय करना चाहिए इतने में यहाँ पर यन भी आ जाती है अब जिया के साथ जो लड़की खड़ी होती है ये इसको बाकी सबका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप समझाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसको लगता है कि ये इस लड़की को ये सब कुछ बताएगा तो वो डेफिनेटली इस रिश्ते से इंकार कर देगी लेकिन इस लड़की को तो किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता होता अब ये लोग यहाँ पर डिफरेंट राइड इंजॉय करते हैं रात हो जाती है और जियांग ची भी, भी परेशान होता है क्योंकि इस लड़की को जियांग ची के बारे में कोई भी बात बुरी नहीं लगी होती अब ये यही मसला है इनके से डिस्कस कर रहा होता है कि हमें कुछ करना होगा जिसके जरिए से ये इनकार कर दे इस रिश्ते से साथ ही जियांग हॉन्टेड हाउस की तरफ देखता है उसे कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया है येकुल की बात किया जा जाती है इसलिए ये से कहती है कि हमें इसे स्किप कर देना चाहिए और हेनगु तो वैसे ही हॉरर चीजों से बहुत डरता है तो ये तो अंदर जाने की वैसे ही मत नहीं करता और ये भी इनकार कर देता है टैन शशी और शाहरुन भी अंदर नहीं जाना चाहते होते ये वाहित चीज होती है जो ये लड़की नहीं करना चाहती होती अब जियांग ची टैन शशि से कहता है की क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगी तो टैन शशि कहती है की हाँ मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ये चलकर ट्राई कर ही लेती हूँ अब टैन शशी जा रही थी तो शाहरुन कैसे पीछे रह सकता था फिर ये हेन घू और यन की तरफ देखता है तो ये दोनों भी अंदर जाने के लिए मान जाते हैं जियांग जी भी इस लड़की से कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ अंदर चलो लेकिन ये लड़की कहती है की नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी तो जियांग जी कहते है की ठीक है फिर तुम हमारा यहाँ पर खड़े रहकर वेट कर सकती हो लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है और ये फाइनली इसको रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है जब ये लड़की यहाँ से चली जाती है तो टेंटी और शाहरुन कहते हैं की तुम लोगों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है तो अब हम दोनों कुछ टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं इसलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं अब ये कहाँ अंदर जाने वाले होते हैं असल में और अभी लोग डिसाइड करते हैं की ये लोग कहीं और जाएंगे लेकिन जियांग जी जैसे ही मुड़ता है तो ये देखता है की पीछे खड़े होकर वो लड़की इनको देख रही होती है और अब इस लड़की को ये साबित करने के लिए की वाकई में अंदर जा रहे हैं ये तीनों अंदर चले जाते हैं यो तो जाना नहीं चाहती होती क्योंकि क्यूँकी डर होता है कि इनका लूनियान का आपस में सामना हो जाएगा मॉडिट हाउस के अंदर आने के बाद यन यूनियन को मैसेज कर देती है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं यहीं पर खड़े होते हैं कि जियांग जी यहाँ से अचानक गायब हो जाता है कहीं हेनग्रो यन ऐसी कहता है की तुम मुझे फॉलो करो और मेरे साथ ही रहना यन कहने लगती है की तुम्हें तो हॉर मूवी ऐसी इतना डर लगता है लेकिन यहाँ पर तुम मुझे अपने आप को फॉलो करने के लिए कह रहे हो कहता है क्यूँकी मैं नहीं चाहता की तुम यहाँ पर मुझसे होकर कहीं गुम हो जाओ और वैसे भी तुमने मुझसे कहा था की तुम्हें हॉर मूवी ऐसी इसलिए डर नहीं लगता क्यूँकी वो सब इंसान ही होते हैं ये कहती है की क्या तुम्हें मेरी कही हुई हर बात याद है तो हेनग्यू कहता है कि की मुझे तुम्हारी कही हुई हर बात याद है अब यहाँ पर इनको एक आवाज़ सुनाई देती है कहता है कि क्या यहाँ आरोप जियांगी है का हाथ पकड़कर बाहर को देख रहा होता है और इस रूम में एक छोटे छोटा दरवाजा होता है जहाँ से लूनियन येन को देखती है लूनियन इसको अपने पास बुला रही होती है लेकिन हेनग्यू ने इसका हाथ पकड़ा होता है इसलिए इसके पास नहीं आ पाती एक रूम में जियांगची बहुत ही ज्यादा डरा होता है और हेनग्यू फाइनली इसको ढूंढ लेता है अब मौके का फायदा उठा कर यन लूनियन के पास आ चुकी होती है यन फिर ऐसी लूनियन ऐसी यही कह रही होती है की तुम्हे जियांग ची का सामना करना चाहिए उसे ऐसे छुटना नहीं चाहिए तो लूनियन कहने लगती है की मेरा भी दिल चाहता है की मैं जियांगी का सामना करूँ बल्कि मैंने तो जियांगची के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारने का भी एक दफा सोच लिया था था लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है क्योंकि मैं हर दिन डिफरेंट रोल प्ले करती हूँ यानी कि मैं बहुत सारी डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब्स करती हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मेरा कौन सा पार्ट जियांगी कबूल करेगा और लेट सपोज कि हम अगर कपल बन भी गए तो सबसे पहले मुझे जियांगी की मॉम का सामना करना पड़ेगा और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जियांगी अपनी मॉम का ही साथ देगा या लोनियन ऐसी कहती है कि तुम कुछ भी ट्राई किए बगैर उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकती हो और वैसे भी तुम्हें खुद को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और आर्ट एग्जीबिशन जब तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई थी तो किस्मत तुम्हें यह बताना चाहती है की तुम्हारी साथ भी अच्छा हो सकता है तुम हो जो खुद को आगे बढ़ने से रोक रही हो ऐसा लगता है कि जैसे लोनियन इसकी बातों से थोड़ा कन्विंस हो गई है और फिर ये गेंद ऐसी कहती है कि क्या मैं वाकई में ये कर सकती हूँ तो गैन कहती है कि हाँ तुम ये सब कर सकती हो लोनियन येन से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर मेरे सुपरवाइजर ने तुम्हें में यहाँ पर देख लिया तो वो मेरी सैलरी काट लेगा गैन कहती है कि अगर तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर करती रहोगी तो मुझे लगता है कि तुम्हारा सामना जियांग जेंगी से हो ही जाएगा या फिर मैं यूँ कहूँ कि तुम चाहती होगी कि तुम्हारा सामना ज्यांगी से हो जाए इस पर लूनियन कहती है कि मैंने इस बारे में भी सोचा नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस गेटअप में मुझे पहचान पाएगा यन हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल आती है तो बाहर हैंग इसका वेट कर रहा होता है यन यहाँ पर अपसेट दिखाई दे रही होती है तो हेनग्यू कहता है की तुमने ये एक्सपेक्ट किया था की कि मैं तुम्हारा वही पर रहकर इंतजार करूंगा तो यन कहती है की हाँ हेन्ग्यू कहने लगता है की मैंने तुम्हारा वहाँ पर इसलिए इंतजार नहीं किया क्यूँकी मैंने तुम्हें देख लिया था की तुम लूनियन के साथ हो वहाँ पर लूनियन वाकई में काफी स्केरी दिखाई दे रही थी यन कहती है अच्छा तुमने इसलिए हाथ इतनी जोर से पकड़ा था क्योंकि तुम डर रहे थे तो है कि हाँ वो लगी इतनी स्केरी रही थी तो मैं क्या करता यान से कहता है कि चलो हम वॉक पे चलते हैं तो यन कहती है कि क्या हम जियांग जियांगी का इंतजार नहीं करेंगे लगता है है कि लास्ट पजल बहुत आसान वो खुद ही सॉल्व कर लेगा और अगर वो ना कर पाए तो लूनियन अंदर है उसके लिए अब जियांग जियांगी अंदर आखिरी पजल सॉल्व कर रहा होता है लेकिन जो ये कोड डालता है वो गलत होता है और साथ में ही बहुत ही हॉरर आवाज सुनाई देती थी जिसको सुनकर जियांग जियांगी बहुत डर जाता है इतने में ही यहाँ आरोप लूनियन आती है तो जियांग जियांगची जल्दी से लुनियान को तो अपने गले से लगा लेता है जब वो हॉरर आवाज गायब हो जाती है तो जियांग ची लूनिया से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लूनियन कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हालत में मुझे पहचान पाओगे जियांग ची कहने लगता है कि तुम हर टाइम मेरे माइंड में होती हो हर लम्हे में तुम्हें ही सोचता रहता हूँ इसलिए तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं भूल सकता हूँ ची लूनियान से पूछने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है और अगर किया है तो मुझे बता दो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ लूनियान कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है इस बार गलती मेरी है जियांग ची कहता है कि तुम्हारी क्या गलती है तो लूनियन कहती है की क्या तुम इस बात को लेकर क्यूरियस नहीं हो रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं इस ड्रेस में आखिर क्यों हूँ तो जियांग से कहने लगता है कि क्योंकि ये जगह तुम्हारी है तुम इसकी ऑनर हो इसलिए तो मैं यहाँ का पासवर्ड भी पता होगा जिसके जरिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो लूनियन थोड़ी सी अफसुरदा होकर कहती है की मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ लूनियन कहती है की तुमने अभी कहा की मैं हर वक्त तुम्हारे दिमाग में होती हूँ लेकिन मैं आधे ऐसी ज्यादा टाइम बल्कि मैं अपने पूरे दिन में डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब कर रही होती हूँ कभी मैं एज हाउस कीपर काम करती हूँ तो कभी डिलीवरी गर्ड और रात में मैं यहाँ काम करती हूँ और भी डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब्स का ये नाम लेती है और कहती है की मैं एक ऐसी सिंड्रेला हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं लगता की तुम मेरे वो वर्जन देखना भी चाहते हो इस पर जियांग जी कहता है की अगर तुम इतने सारे काम कर सकती हो तो तुम आउट लड़की हो और मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो और मुझे लगता है की तुम प्यार करना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसन है और मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ ये सुनकर फाइनली लूनियन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर जियांग जी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस दरवाजे को खोलने का कोड है तो लोनियान कहती है की हाँ ये दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोल देती हूँ टैन और शाहरुन फेरिस फील लेने के लिए आते हैं लेकिन ये चल नहीं रहा होता शाहरुण टैन शिशी ऐसी कहता है की आज जिया की वजह ऐसी मेरा सारा प्लान डिस्टर्ब हो गया है जिस पर टैन कहती है की अगर तुम स्मार्ट होते तो तुम्हारे पास एक प्लान बी भी, भी होता ताकि तुम किसी बहाने से हम दोनों का पीछा जिया से छुड़वा कर अपना प्लान एग्जीक्यूट करते शारुण कहने लगता है कि मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ रहा हूँ और बड़े होने के बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ एक्चुअल में टैन ने भी शाहरुन को दिल ऐसी कबूल कर ही लिया है बस वो खुद इस बात को कन्फेस नहीं करना चाहती यहाँ पर को किस करता है अब हैंग और येन एक जगह पर बैठे होते हैं येन हैं से कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि की जी भी तुम्हारी इतना डरपोक निकलेगा इस पर हेन्ग्यू कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम तो मेरी सोच से ज्यादा बहादुर हो येन कहती है कि मैं बहादुर नहीं हूँ जब मैं छोटी थी और मेरे पेरेंट्स जब भी लड़ा करते थे तो वो मुझे हमेशा अकेला घर पर छोड़ देते थे पांच दफा वो दोपहर में ही घर आ जाते थे और कई दफा तो ऐसा होता था कि वो दो या तीन दिन बाद घर वापस आते थे और उस सब पीरियड में मुझे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़ता था अगर मैं कभी उस पीरियड में बीमार हो जाती या मुझे चोट लग जाती तो मुझे खुद ही सब कुछ हैंडल करना होता था और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे हमेशा ही जिंदगी में अकेले रहने से डर लगा है लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे ये बात बहुत बिगड़ लगी कि तुम अकेले क्यों रहना चाहते हो एन यू कहता है कि जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप देखने के बाद और जब मेरा से ब्रेकअप हुआ तो मैंने रिलेशनशिप पर यकीन करना छोड़ दिया था और मुझे उस टाइम पर यही लगा की अकेला रहना ही ज्यादा अच्छा है और अब तुम्हारी वजह से मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ हेनग्यू अब यन को बताता है कि कैसे यन की वजह से वो अकेले नहीं रहना चाहता कहता है कि जब मुझे मालूम हुआ था कि मेरे डैड मेरी मॉम को चीट कर रहे हैं तो मैं घर से भाग गया और मेरी मुलाकात एक जख्मी लड़की से हुई थी और फिर जब मेरा टैंच से ब्रेकअप हुआ था तो फिर मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई थी और उस दिन बारिश हो रही थी और मैंने उसे अम्ब्रेला दी थी वो लड़की तुम थी यन फिर इतने सालों बाद मेरा सामना तुम्हारे साथ जियांग जी की वजह से हुआ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप किसी झूठ पर स्टार्ट नहीं हुआ है यन येग्यू को हक करके कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद था मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने उन हार्ड टाइम्स में मेरा साथ दिया और तुम मेरे साथ रहे हैंगू कहता है की पहले की तरह मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा और मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ इसी सवाल आरोप एपिसोड सिक्सटीन खत्म हो जाती है